अंकल तमाम प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, जांच पुलिस है गवाह को लेकर तरह तरह की बातें कर रही है, गवाह तथ्य छिपाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गवाह तो शुरू से छिपाए जा रहे हैं, पहले ब्लड सैंपल रिपोर्ट छिपाई गई है, पहले वो सुना है डॉक्टर ने वो जो ब्लड उसका लिया था वो फेंक दिया, उसकी रिपोर्ट पुलिस वाला साथ में रहा होगा, वो IG साहब को नहीं बताया, कमिश्नर साहब को नहीं बताया कि वो ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदल गई है, मतलब उन्होंने ब्लड बदल दिया है, दूसरे का ब्लड लेकर रिपोर्ट बना रहे हैं। ये सब बातें अपने उच्च अधिकारियों को बताना थी, वो क्या सोचे थे छोटा मोटा केस है ऐसे दब जाएगा, फिर उसके बाद ड्राइवर को छिपा लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि वो उस बालक के साथ, वो जिस लड़के के साथ, वो अकेला बैठ के बार में दारू नहीं पी रहा होगा, उसके साथ 3-4 लड़के और रहे होंगे, बार में भी रहे होंगे, गाड़ी में भी रहे होंगे, वो पूरे CCTV फुटेज में आ जाएंगे। वो 3 लड़के कहाँ हैं? वो पुलिस के लिए एक अहम गवाह हो सकते हैं, उनकी गवाही की बोल चला रहा था कि नहीं चला रहा था ये कन्फर्म हो जाएगा, पिया हुआ था कि नहीं पिया हुआ था, पिया हुआ तो कितनी पिया हुआ था, कितनी स्पीड से चला रहा था, क्या उन्हें रोका कि भैया धीरे चला यार, कहीं बढ़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, किसी ने तो कुछ बोला होगा। तो वो 3 लड़के कहाँ हैं, 3 या 4 जितने भी उसके साथ थे वो कहाँ हैं? पुलिस को उनको खोजना चाहिए, पुलिस के लिए वो अहम गवाह बनेंगे, यानी उनकी गवाही कोर्ट में जो है ना मान्य होगी। अब वो ये नहीं बोल सकते कि अब हम तो दारू पिए हुए थे, हमको तो कुछ पता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो होश रहती है, कहाँ क्या हो रहा है। 48,000 रुपये का बिल बना था कहीं ना कहीं बार में, हाँ ऐसा सुना है, 48,000 रुपये की शराब पी उनने। अब उनके पास पैसा है, वो कितने की भी पी सकते हैं, उससे हमको क्या ले रहा है, 48,00,000 की पिए। बड़े बड़े लोगों से हाथ मिले हुए हैं, छोटे राजन जैसे लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है। हाँ नाम सुना तो है, बाकी अब हमको उनसे वो उनके किससे उठना बैठना है, दाऊद से है, राजन से है, और जितने भी हैं उनसे लेना उठना बैठना है, आदमी की संगत होती है उससे, उसका क्या है, आदमी की विचारधारा जिससे मिलती है उसके साथ आदमी उठता बैठता है। कोर्ट का जो फैसला था 300 शब्दों में निबंध लिखो, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? अब वो माननीय हमारे जो जज साहब ने सजा दी थी वो शायद देश की जनता को पसंद नहीं आई, इसलिए सब बवाल हो गया पूरा। नेता से लेकर कई मंत्री भी इस पर, पूर्व मंत्री टिप्पणी कर रहे हैं इस कमेंट को लेकर कि 300 शब्दों का निबंध लिखना कितना अनुचित है। अब उनने किस हिसाब से उसको बालक मान लिया, मेरे को लगता है 5-1 साल का बालक ऐसा कुछ कर देता तो हो सकता है उस 5 साल के बालक को निबंध लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती, समस्या होती, उसको समझने में समस्या होती, तो बात समझ में भी आती है। 18 साल के लड़के को, 18 साल 4 महीने बचे हैं, 18 साल हो गया, तो 18 साल के लड़के को निबंध लिखने को बोल रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता यदि ये सज़ा भी उसको दे देते ना तो उससे निबंध लिखते भी नहीं बनता, मैं बोलता हूँ निबंध लिखते भी नहीं बनता, क्योंकि उसका ध्यान पूरा दारू पीने में, और भगवान जाने उसने पढ़ाई भी की है कि बोलते 12th का एग्ज़ाम दिया है, पढ़ाई भी की है कि उसकी कापी किसी और ने लिखी है, तो कहीं ना कहीं दबाव था जज के ऊपर, ऐसा मान सकते क्या? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, वो जज ही बता सकते हैं कि उनके ऊपर दबाव था क्या था,